हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही यमी है। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हेलो एवरीवन, आई एम निशा अरोड़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो लेडी फिंगर ले ली है, और साथ में मैंने 4 से 5 यहाँ पे ग्रीन चिलीज ले ली हैं, जिसकी मैंने ये ऊपर से जो डंडी है ये हम निकाल देते हैं। और ये भिंडी को मैंने ऊपर से कट कर लिया है। इसके बाद आपको इस तरह से एक कट लगाना है भिंडी पे, और भिंडी को हल्के हाथों से इस तरह से खोल लेना है। और इस तरह करते हुए आप सारी भिंडी को जो है कट लगा के इस तरह से खोल के एक साइड पे रख देंगे। मैंने सारी भिंडी पे इस तरह से कट लगा लिए हैं। ये जो चिलीज हमने ली हैं, इसको भी आपने इस तरह से बीच में से काट लेना है। आप चाहें तो हरी मिर्ची की बीज निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती, तो मैं बीज के साथ ही इसको इस्तेमाल करूंगी। साथ ही में यहां पर आप दूसरी प्लेट में देखिए, मैंने कुछ अनियंस ले लिए, जिसको इस तरह से मैंने पतला पतला काट लिया। और आप इस तरह से इसके जो टुकड़े हैं अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको साबुत इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रेडी करते हैं भिंडी के लिए मसाला। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी ले ली है। इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। बहुत ज़्यादा नमक का आपको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए हम बना रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। 1/2 चम्मच मैं आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, और इसी के साथ 1/4 स्पून हम जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने ये मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अगर आप चाहें तो स्पून की हेल्प लेके इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथों से फिल करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मसाला इसमें फिल नहीं करना। स्पून से इसमें मसाला ज्यादा फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक भिंडी उठाते जाएं, और इसके अंदर जो मसाला है वो फिल करते जाएं। यहां पर मैंने सारी की सारी भिंडी में जो है अच्छे से मसाला फिल कर लिया है, इवन जो ग्रीन चिलीज है उसमें भी कर लिया है। हाथ भी थोड़े मेरे पीले हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। एक कढ़ाई में मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर आपको भिंडी को कुरकुरा बनाना है, तो ये सरसों के तेल में ही अच्छी बनेगी। तो मैंने बहुत ज्यादा तेल नहीं लिया है, थोड़ा ही तेल लिया है। गाइस, मिर्ची को यहाँ पर मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि मिर्ची हम भिंडी के साथ नहीं तलेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा गल जाएगी, और खाने में आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए, हमारा तेल हो गया है गर्म अच्छे से। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, आपको भिंडी इसमें तभी डालनी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी भिंडी, और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए ही आपको भिंडी को कुछ देर तक ऐसे ही पकाना है। ये देखिए गाइस, आपकी जो भिंडी है वो लगभग आधी पक चुकी है, और आप ध्यान से देखिए, थोड़ी सी कुरकुरी होना शुरू हो गई है, ये साइड से पकने लग गई है। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना है, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। सो अब आप देख सकते हैं गाइस, हमारी जो भिंडी है वो बन के अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर आप अगर अनियंस खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसको एक बॉल में अलग से निकाल रही हूँ। अगर आप लोग अनियंस नहीं खाते हैं, तो आपकी मसाला भिंडी रेडी है। लेकिन अगर आप लोग अनियंस के साथ खाते हैं, तो आप ये अनियंस, मैंने बिना ऑयल के अनियंस और चिलीज को यहाँ पे डाल दिया है। तो जो कढ़ाई में थोड़ा सा घी रह गया है, जो चिपका हुआ है कढ़ाई के साथ, उसमें ये अनियंस अपने आप हल्के से फ्राई हो जाएंगे, और जो हमारी ग्रीन चिली है वो भी हल्की सी फ्राई हो जाएगी। पर मैं आपको बोलूँगी कि आप अनियन ज़रूर डालें, क्योंकि इससे भिंडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और ये आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेगी, ग्रीन चिली भी और अनियंस भी। और भिंडी तो वैसे भी हमारी जो है बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनी है, आप देख सकते हैं, एक एक दाना बिल्कुल अलग है। और ये मसाला भिंडी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वेट लॉस के दौरान आप खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं हैं।
तो आप इसको आराम से रोटी के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो राइस के साथ खा सकते हैं, जैसे भी आप इसको खाना चाहें, नाश्ते में, लंच में, अपने डिनर में आप इसको खा सकते हैं। इसको आप बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें, क्योंकि जो पैन है हमारी कढ़ाई उसमें तेल बिल्कुल नहीं है, तो अनियन जो है वो आपके नीचे चिपकने नहीं चाहिए। अब मैंने भिंडी के अंदर जो मसाले की फिलिंग की थी वो थोड़ा सा मसाला यहाँ पर मेरे पास कटोरी में है, जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके हम चला लेंगे। बस इसको 2 मिनट हम और पकाएंगे और हमारे अनियन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। सो गाइज इट्स रेडी। चलिए इसको हम अपने लेडी फिंगर में ऐड कर लेते हैं। ये रेडी हो गई है हमारी वेट लॉस भिंडी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगने वाली है। इसका टेस्ट बहुत ओसम है। वेट लॉस में ऐसी भिंडी खाकर अगर आप वेट लॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मुझे थैंक यू तो बोलेंगे, क्योंकि ये खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इतनी अच्छी मैं भिंडी की सब्जी खा के भी वेट लॉस कर पा रही हूँ।